सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ करने वाली हूँ शेयर एक रूम हीटर का, जो मैं खुद पर्सनली अपने बेबी के लिए यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं करने वाली हूँ अनबॉक्सिंग। वो तो क्लिप आप पहले देख चुके हैं ये दिखने में कैसा है, बट फिर भी मैं आपको ये अनबॉक्सिंग करके दिखा रही हूँ कि ये न्यू है। मतलब ये इसी ईयर का है, 2023 का ही ये न्यू है। इससे पहले जो मैं यूज़ करती थी उसका कलर बस डिफरेंट था और बाकी सब कुछ यही था, ठीक है। वोल्टेज अप डाउन की वजह से उसका वारंटी गारंटी ख़त्म हो गया और वो उड़ गया। जो भी हुआ ख़त्म हो, उसकी स्टोरी ख़त्म। तो मैं बात करने वाली हूँ आज इसका, जो मुझे बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में पड़ा है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि घर में अगर बेबी रहते हैं तो बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है। जब भी आप बेबी को मसाज दे रहे हो या फिर आप उसे बाथ देने के बाद कपड़ा चेंज कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो आप बेबी से रिलेटेड, जैसे उसे आप ड्रेस चेंज करना होता है और भी बहुत सारा काम होता है, तो आप रूम हीटर को अगर आप रूम में साइड पे कहीं भी ऑन करके रख दो तो होता क्या है कि आपके बेबी को ठंड नहीं लगता है। और ऐसे तो अभी इतना ज़्यादा ठंड बढ़ा हुआ है कि आपका बेबी और जो भी घर के जो बड़े हैं, हम सब विंटर में बीमार ही रहते हैं ठंड के वजह से, तो काफ़ी ज़्यादा इधर ठंड। तो चलो वो तो बात हो गया ठंड का, अब बात करते हैं हम रूम हीटर का। तो जी ये है रूम हीटर, जो दिखने में कुछ ऐसा है। इसमें तीन स्विच दिए गए हैं, एक ऑफ ऑन का जो है कूल रखता है ये, और जो सेकेंड वाला स्विच है वो वार्म के लिए है, थर्ड है हॉट के लिए। तो मैं करती ये हूँ कि कभी भी हॉट वाला को ऑन नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा वार्म वाला से ही काम हो जाता है। अगर मैं हॉट ऑन करूँगी तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये तार, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और अगर बाय द वे गलती से आपसे या आपके बेबी से ये टच हो गया ऑफ़ करने के बाद भी, तो कुछ टाइम के लिए इतना गर्म होता है कि हाथ मतलब थोड़ा जलने का डर रहता है। तो जब से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ मुझे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मैं 2 साल से इसका यूज़ कर रही थी और इसका जो वायर है ये भी काफ़ी लंबा है, जिससे कि आप कहीं भी इसे एडजस्ट करके रख सकते हो। अगर आपका बेबी चलता दौड़ता है तो आप इसे कहीं सेफ जगह पर रखो, जिससे कि बेबी को किसी भी तरह का हार्म ना हो। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसे बहुत इजीली तरीके से इसे प्लग करना होता, बस ये प्लग करके स्विच ऑन करके यहाँ पे आपको जो ऑप्शन आपको सही लगे, हॉट या वार्म, तो मैं हमेशा वार्म में ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे आप इसे रख सकते हो ताकि आपका रूम अच्छे से गर्म हो जाए। यहाँ पे एक फ़ैन दिया गया है जो चलता है और किसी भी तरह का इसमें प्रॉब्लम या डर नहीं होता, तो आप सेफली इसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।